जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम इंजीनियर तलाल अख्तर है और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ स्काई इलेक्ट्रिक सोलर सॉल्यूशन कंपनी की तरफ से। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ स्पेशली डॉक्टर उमर साहब का, जिनके घर में आज हम मौजूद हैं। हम मेरी टीम भी मेरे साथ है कस्टमर सपोर्ट की, और हम लोग यहाँ पे कुछ सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जो है वो आए हैं। और ये इनका एक कनाल का घर है जिस पे हमने एक साल पहले जो है वो 10 किलोवाट का स्मार्ट सोलर प्लस स्टोरेज सिस्टम जो है वो लगाया था। ठीक है, अब बेसिकली स्काई इलेक्ट्रिक के बारे में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई जानता है कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और हम लोग तकरीबन कोई पूरे पाकिस्तान में स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर टू अप टिल कराची हम लोग नेशनली जो है वो काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन कोई 10 से 12 शहरों में इस टाइम ऑफिसेज हैं। ठीक है, और हम बड़ी तेज़ी से जो है वो डे बाय डे जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारे सेक्टर्स जो हैं उनको सोलर सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर कम्पिटिटर्स, और वो एक्सपेंसिव किस वजह से है वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आर कम्पिटिटर्स। सोलर के बारे में अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ तो हर बंदा ये कहता है कि यार कोई मसला नहीं है, हमारे पास इलेक्ट्रिशियन है और हम लोग जो है वो प्लेट्स और इन्वर्टर ला के इसको लगा लेंगे। ठीक है, सिस्टम लगाना कोई इट इज़ नॉट अ बिग जॉब। ठीक है, बट आफ्टर सेल सपोर्ट और उसकी जो सारी चीज़ें हैं उसको मैनेज करना और सिस्टम को देखना, ये जो है ये एक बड़ी बात होती है। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये यहाँ पे 10 किलोवाट का सिस्टम जो है हमारा वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, इससे अब सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि हर साइड का एक विज़िट अरेंज करवाते हैं, उसके मुताबिक जो है सिस्टम डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन होने के बाद फिर ये ऑपरेशंस टीम के पास जाता है, और फिर उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन के बाद ये कस्टमर सपोर्ट टीम के हैंडओवर कर दिया जाता है। तो एज़ अ मल्टीनेशनल कल्चर, एक कॉरपोरेट कल्चर को हम लोग मेंटेन कर रहे हैं कि हर काम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से लोग हैं जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अगर इधर देखें तो सबसे पहले जो एक लोकल वेंडर आपकी चीज़ें स्किप कर देता है वो आपका ये सिविल वर्क है। वो ऐसा ही आपकी जो पैनल्स हैं वो ग्राउटिंग करेगा आपके लेंटर में, और आपकी जो है वो प्लेट्स यहाँ पे लगा देगा, जो कि बाद में सीपेज वगैरह के जो मसाइल हैं वो क्रिएट कर सकता है। तो उससे बचाने के लिए हम लोग सबसे पहले नीचे सिविल वर्क करते हैं। ठीक है, आफ्टर डिज़ाइनिंग, आफ्टर वो सारी चीज़ें देखने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है वो माउंट करते हैं। अब फ्रॉम दी लास्ट 6 मंथ्स हम लोग GI नहीं, हम लोग एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर जो है वो इससे ज़्यादा रिलायबल है वो यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सिस्टम की कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा थोड़ी ऊपर चली गई है। ठीक है, उसके बाद फिर हम ये माउंट करने के बाद फिर आपके पैनल जो हैं वो माउंट करते हैं। ठीक है, अभी ये जो हैं ये आपके 450 वाट के मोनो पर हाफ कट पैनल जो हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसके बाद अभी हम 550 वाट के पैनल्स भी जो हैं वो भी इंस्टॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो विद टाइम टू टाइम जो है ये साइज़ जो है वो बढ़ा है। ठीक है, इसी तरह इन्वर्टर्स भी जो हैं वो अपग्रेड हो रहे हैं, डिफरेंट सिनेरियोज़ और डिफरेंट जो है वो आपकी इन्वेंशंस और एवोल्यूशंस के बाद। ठीक है, तो एक तो हमने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था 1 साल पहले, आप देख सकते हैं इसकी सारी सिचुएशन जो है। इसके बाद फिर हम नीचे चलेंगे, फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि स्काई इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो इसलिए भी डिफरेंस जो है वो क्रिएट करता है कि हमारी जो मार्केट अगर आप देखें तो 100% में से 90% जो लोग हैं जो सोलर यूज़र हैं ऑलरेडी, उनको यही नहीं पता कि उनका सिस्टम जो है वो कर क्या रहा है, बेसिकली वो बना क्या रहा है, वो प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, और उनका सिस्टम कितना एडवांटेज जो है उनके मंथली बिल्स के अंदर वो ऐड कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए स्काई इलेक्ट्रिक ने एक तो अपना स्मार्ट फ्लो सॉफ्टवेयर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में, जो कि पेटेंटेड है स्काई इलेक्ट्रिक का, और उसमें फ़ायदा ये है कि वो सारे सिस्टम को जो है वो मैनेज कर रहा होता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, वेदर अपडेट्स इसके अंदर हैं, तो इसमें ये फ़ायदा ये है कि आप आज क्या बनाएंगे यूनिट्स, कल क्या बनाएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका सिस्टम कितने यूनिट्स बनाने जा रहा है, वो सारा डेटा जो है थ्रू AI प्रोजेक्शन जो है वो आज ही आपको पता चल रहा होगा, और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर मैं इस सिस्टम से कितनी सेविंग्स जो है वो ले सकता हूँ। और सबसे जो बड़ी बात यह है कि सिस्टम के ऊपर एक UI है। ठीक है, एक टैबलेट का डिस्प्ले है जिसके ऊपर 3 डिफरेंट किस्म की विंडोज़ हैं। ठीक है, उसके अंदर पहली विंडो जो है वो आपको बता रही है थ्रू मतलब नेट मीटरिंग, आपने वापडा को कितने यूनिट्स एक्सपोर्ट किए हैं, कितने उनसे इंपोर्ट किए हैं। ठीक है,
और आपका नेट जो है वो बिल कितना आने वाला है विदाउट एडिंग एनी टैक्सेस, वो सारा आपको हमारी ऐप के ऊपर, हमारी मोबाइल ऐप पे और जो सिस्टम की यूआई स्क्रीन है उसके ऊपर पता चल रहा होगा। दूसरे नंबर पे फिर आप आ जाएं, दूसरी जो चीज़ है वो है इसकी सोलर प्रोडक्शन का डेटा जो है, वो दूसरी विंडो है, वो आपको बता रही होगी कि सोलर जो है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, अभी शाम तक कितने यूनिट्स जनरेट कर देगा, इस मंथ में कितने जनरेट करेगा और आपको कितनी सेविंग्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा होगा और कितने परसेंट पे, यानी एफिशिएंसी भी आपका सिस्टम जो है वो चल रहा है। तीसरी विंडो जो है वो आपकी बैटरीज की विंडो है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम है हाइब्रिड सिस्टम है, सोलर प्लस स्टोरेज सिस्टम है, तो इसमें तीसरी एक विंडो एडिशनल ऐड होती है, वो है आपकी बैटरीज की विंडो, ठीक है। अब वो बैटरीज की विंडो आपको बता रही होगी कि दो किस्म के बैकअप वो शो कर रही होगी, एक आपके फुल लोड का बैकअप है, ठीक है, कि लेट से आपकी वापडा चली गई, आपके पास और कोई भी सोर्स नहीं है और ना वापडा है ना ही सोलर है और आपका लोड जो है वो मैक्सिमम पीक पे चल रहा है और वो कितने घंटे आपकी बैटरी आपका साथ दे सकती है वो बताएगी आपको। दूसरे नंबर पे फिर वो आपको बताएगी कि लेट से आपका सोलर भी प्रोडक्शन कर रहा है और कुछ कंट्रीब्यूशन बैटरी से चल रही है, करंट लोड के ऊपर कितना आपका सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है और क्या वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर हमारा एक और जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम लोग क्वार्टरली मेंटेनेंस जो है वो कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, और ये हमारा एक बड़ा ही एक समझ लें कि एक डिफाइनिंग और डिफ्रेंशिएटिंग जो है वो फीचर है एज़ कम्पेयर टू आवर कम्पिटिटर्स, ठीक है। उसमें आप देखें कि 98% मार्केट में ये होता है कि सिस्टम लगाने के बाद इवन के जो जो इंस्टॉलर है, ठीक है, वो आपकी फ़ोन कॉल को भी रिस्पांस नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो उसके लिए सबसे जो हमारा अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सपोर्ट है कि वो ऑनलाइन आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है थ्रू वाईफाई सपोर्ट, ठीक है। तो उसमें वो सारी चीज़ें जो भी आपके सिस्टम में चल रही हैं वो उन्हें पता चल रही होंगी और वहाँ से वो आपके साथ इनडायरेक्ट कोऑर्डिनेशन भी रहेंगे और दूसरा जो है अगर सिस्टम में कोई भी इशू आ रहा है तो उसको भी ऑनलाइन रिजॉल्व कर रहे होंगे या अपना कस्टमर सपोर्ट के रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू उसको रिजॉल्व कर रहे होंगे। तो ये एक हमारी बहुत अच्छी सपोर्ट है। तो इसमें यह है कि एक तो कस्टमर भी इन टच रहता है और उसको ये पता चलता है कि मैंने जिस चीज़ के ऊपर इतने पैसे खर्चे हैं वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है और जिन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ ये इन फ्यूचर भी जो है वो मेरी प्रोडक्ट का उसी तरह ख्याल रखेंगे जितना वो ख्याल रखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि इसमें अब हम लोग आ जाए हैं, हमारा एक ही विज़िट हुआ है, इसमें हम इनका इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस करने आए हैं। उसकी भी रीज़न यही है कि हमें ऑनलाइन सपोर्ट के थ्रू पता चल रहा था कि सिस्टम में क्या क्या चेंजेस जो है वो आ रही हैं और अभी हमें कौन से स्टेप्स लेने हैं कि उसके बाद जो है हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें वो वाली सिचुएशन नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हमारा तो वो अपना बंदा है, एक कॉल करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा और आगे हमारी रिप्लेसमेंट कर देगा या जो भी कर देगा। मैं इस चीज़ से मैं इनकार नहीं करता, इवन आपको कोई आउट ऑफ द वे जाके हमसे ज़्यादा भी मे बी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा हो, लेकिन जो एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग की हमारे पास ऑप्शन है वो मैं समझता हूँ वो एक बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट करती है एज़ कम्पेयर टू आवर कम्पिटिटर्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास होती हैं, कोई भी सिस्टम में फ्लक्चुएशंस, कोई भी इशू आता है, कोई भी डिफरेंस उसकी वैल्यूज़ में आ रहा होता है तो वो हमें पता चल रहा होता है, ठीक है। तो ये समझ लें कि हमारे ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग इस प्रीमियम कॉस्ट के अंदर आपको चार्ज कर रहे हैं और हर 3 मंथ के बाद हमारा एक पीरियोडिक विज़िट होता है जिसमें हमारी टीम आके इनडोर आउटडोर सारी चीज़ों की सर्विस कंडक्ट करती है। उसमें ये फ़ायदा होता है आपको कि आपको अपने सिस्टम का ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बेशक वो आपकी प्रेमिसेस में लगा हुआ सिस्टम लेकिन उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे कंधों पे है, यानी स्काई इलेक्ट्रिक के कंधों में है, ठीक है। तो इस वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रीमियम भी है, उसकी हम उसके लिए चार्ज भी प्रीमियम करते हैं क्योंकि ये जो सारी सर्विसेज हैं ये कुछ ना कुछ जो है वो अमाउंट जो है वो लेती हैं इनको मेंटेन करने के लिए। तो हम आप अगर स्काई इलेक्ट्रिक के साथ जाते हैं तो आप लोग 100% जो है वो सेफ़ हैंड्स में हैं, ठीक है, आपको किसी भी चीज़ के लिए इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब आप देख रहे हैं कि हमारा ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पैनल जो हैं वो माउंटेड हैं, ठीक है। तो ये गैल्वनाइज आयरन जो है वो क्योंकि ये 1 साल पहले का लगा हुआ है, ठीक है, हम लोगों ने आफ्टर जून के जो बुकिंग चल रही है हमारी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने अब इंट्रोड्यूस करवाया है एल्युमिनियम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हमारा गैल्वनाइज आयरन स्ट्रक्चर है, 1 साल हो गया इसको लगे और ये 10 साल हम जो है ना वो वारंटी में इसको कवर करते हैं। और इसके अलावा अभी जो एल्युमिनियम का हमारे पास स्ट्रक्चर चल रहा है वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ है, उसकी वारंटी भी इस पर ज़्यादा होगी, ठीक है। तो
बेसिकली आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरीके से खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने ये काम किया हुआ है सारा। और आफ्टर 1 ईयर भी जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है अपनी जगह पे, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है उससे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाइड हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं जो कि आप एक ब्रांडेड वैल्यू के साथ जाते हैं, किसी ब्रांड के साथ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रीमियम सर्विसेज वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखें, प्रोडक्ट तो आपकी ही है ऑब्वियसली, ठीक है, जो कस्टमर एंड पे भी होती हैं। ठीक है, उसमें एक जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि सोलर पैनल्स की जो वॉशिंग है, ठीक है, बेसिकली ये है कि ये डिपेंडिंग अपॉन दी इन्वायरमेंट ऑफ योर एरिया है। ठीक है, अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में आपका घर है और धुआं और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हो सकता है आपको वंस इन अ मंथ जो है वो ज़रूरत पड़े अपने पैनल्स को वॉश करने की। ठीक है, और अगर आप किसी डस्टी एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको फिर ज़रूरत होगी कि तकरीबन हर 15 डेज़ के बाद या हर 10 डेज़ के बाद जो है आप अपने पैनल्स को वॉश करें। उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपके जो सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो अगर डिक्रीज़ होनी है थ्रू आफ्टर डस्ट के कवर होने से, ठीक है, वो डिक्रीज़ नहीं होगी। ठीक है, और वो जैसे आप वॉश करेंगे वो आपका सिस्टम जो है वो उसी तरह एफिशिएंसी के साथ वो वर्क कर रहा होगा जिस तरह वो इंस्टॉलेशन के टाइम पर कर रहा था। ठीक है, तो ये बेसिक एक चीज़ है। बाकी ये है कि एक इसका एक डिक्रीजिंग फैक्टर भी होता है, ठीक है, कि हर साल जो है आपका पैनल जो है वो कुछ ना कुछ परसेंटेज तक जो है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो उसमें जो है वो ये आप समझ लें कि स्टार्ट में जो है वो ये 2.5% पहले साल में जो है वो डिग्रेड करेगा और उसके बाद हर साल जो है वो 0.7% तक डिग्रेड करता चला जाएगा अप टू 25 ईयर्स तक। जो आपका सिस्टम है या आपके जो पैनल्स हैं वो अबव 80% एफिशिएंट होंगे। ये आपके Tier 1 Grade A के जो पैनल्स हैं ये उनकी बेसिकली एफिशिएंसी है और ये 25 ईयर्स की एफिशिएंसी की जो वारंटी है ये उसके अंदर हम लोग कवर कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि लेट्स से बिफोर 25 ईयर्स आपका पैनल अगर 80% से नीचे फॉल कर जाता है उसकी एफिशिएंसी, तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है उसको रिप्लेस करने के लिए। थैंक यू। जी, तो अभी हम लोग जो है वो इन्वर्टर रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये था कि सिस्टम को लगे हुए तकरीबन 1 साल हो गया। ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रहा था और थोड़ा सा इशू ये हुआ कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पिछले दिनों चेंज हुई थी जिसकी वजह से जो है ना इन्वर्टर को जो है वो थोड़ा इशू आ गया था, उसको अब हम रिप्लेस करने जा रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली ये है कि इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि देखें आफ्टर हमने 4 ईयर्स की जो है वो रिप्लेसेबल वारंटी जो है वो क्लेम करते हैं विद फॉर बैटरीज एंड फॉर इन्वर्टर। ठीक है, और उसको अब हम जो है वो अमली तौर पर जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, वो ये एक चीज़ ये है कि इसमें सबसे बड़ी जो हमारा प्लस पॉइंट है स्काई इलेक्ट्रिक का वो है हमारा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर सपोर्ट। ठीक है, वो बेसिकली क्या कर रही है कि 24/7 आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू वाईफाई। ठीक है, इसके अंदर जो भी आपकी सिस्टम की हेल्थ है, आपके सिस्टम का इवन के टेम्परेचर है, इसका पर फेज जो लोड है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो हमारा नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर इंजीनियर जो है उसको नोट कर रहा है। अब लेट्स से सिस्टम में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, कोई भी इशू आता है, तो वो क्या करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो है वो एक टिकट जनरेट कर देगा। ठीक है, और हमारे नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर जो इंजीनियर वहाँ बैठे हैं वो इस चीज़ को देख लेंगे कि फलां सिस्टम में कोई फॉल्ट आया। ठीक है, अब उसको हम ट्रेस करेंगे थ्रू डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स के क्या चीज़ जो है वो हमारी जो मैलफंक्शनिंग कर रही है। अब इस सर्विस का हमें बज़ाहिर जो है वो एक लेमैन को पता नहीं चलता कि इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये है कि हमें साइट को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके बगैर ही हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी बैटरीज में मसला है, इसकी किसी रिले में मसला है, इसके इन्वर्टर में मसला है, या किसी पैनल की प्रोडक्शन जो है वो मैलफंक्शनिंग की तरफ जा रही है। तो उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम जो भी चीज़ जो रिप्लेस करने वाली है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और अगर वो ऑनलाइन कोई रिजॉल्व होता है आपका जो इशू है, मतलब लेट्स से इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होना था या कुछ वैल्यूज़ हमने रीसेट करनी थी अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द कस्टमर, तो वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वो तो हम ऑनलाइन ही कर लेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें, आप देखें, हमें एक ही विज़िट में आए हैं। ठीक है, और हम अपना, हमें ये पता था कि ये इन्वर्टर रिप्लेस होना है, ये मैलफंक्शनिंग कर रहा है, तो हम लोग जो है इसको आज ही अपने साथ लेके आए हैं और एक ही विज़िट किया है। और इसके अंदर एक तो फ़ायदा ये हुआ है, हमारे क्लाइंट का भी टाइम सेव हुआ है,
और दूसरा हमें ये फ़ायदा है कि हमारा भी टाइम सेव हुआ है और हम इसको विद इन वन विजिट जो है वो चेंज करने जा रहे हैं, और इससे जो हमारी जो कस्टमर सपोर्ट कितनी स्ट्रांग है उस चीज़ का आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा, बेसिकली ये था कि इसमें जो फॉल्ट जो है वो इन्वर्टर में वो क्या आया है, वो ये है कि लोड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर थोड़ी सी इलेक्ट्रिशियन से मिस्टेक हो गई थी। हम लोग पर फेज़ जो है वो 1 AC जो है वो रिकमेंड करते हैं, अब उसने एक फेज़ पे 2 AC डाल दिए थे, जिसकी वजह से क्या है कि वो ओवरलोड हुआ सिस्टम, और वो एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा होता रहा है। ठीक है, जो कि हम लोग कस्टमर को भी टाइम टू टाइम जो है वो बताते रहे हैं। ठीक है, और उसकी वजह से ये जो फॉल्ट आया तो फिर हमें जो है इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस करना पड़ रहा है। जी तो व्यूअर्स, हम लोगों ने फाइनली जो है वो इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और इसके बाद इसकी डिफरेंट जो है वो टेस्टिंग हमने की है। ठीक है, तो उसके बारे में जो है वो मेरे कस्टमर सपोर्ट के जो ऑफिसर हैं सदाकत साहब, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। जी सदाकत साहब, बताइएगा आपने किस तरह से ये सारा जो आप परफॉर्म किया है। जी, सबसे पहले इस जो इन्वर्टर जो है वो रिप्लेस हो गए हैं। अभी इसमें जो हमारे पास होते हैं 3 पोर्शन, एक होता है ग्रिड पोर्शन और एक होता है सोलर, और दूसरा हमारे पास बैटरी जो बैकअप की होती है। अभी इस टाइम पे जो है सोलर जो वो 45% प्रोडक्शन कर रही है 4.54 किलोवाट की, उसमें से जो है वो हमारे पास जो ग्रिड जो है वो 0.67 किलोवाट यूज़ हो रहे हैं जो लोड जो हमारे जो घर का, और जो सेलिंग जो है वो 4.12 किलोवाट जो है वो सेल कर रहे हैं। अभी जो बैटरी जो हमारे पास जो वो 99% चार्ज है, और इसकी जो बैकअप जो टाइमिंग ये 10 किलोवाट की है। अगर इसी लोड पे जो अभी चल रहे हैं 0.6967 जो किलोवाट चले, उस लोड पे हमारे पास ये बैकअप चलेगा 13 आवर्स। अगर जो इसकी मैक्सिमम जो है मतलब जो 10 किलोवाट एक टाइम चल जाए तो उसकी जो टाइमिंग जो होती है वो होती है 1 घंटे की। अच्छा, तो व्यूअर्स, इसमें एक चीज़ जो है ना वो रह गई थी, वो भी मैं चाहूँगा कि वो मैं इसमें कवर कर दूँ। वो बेसिकली ये है कि हमारा जो बैटरीज़ हैं, हम लोग इसकी लाइफ जो है 10 to 12 years वो क्लेम कर रहे होते हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ये चीज़ है कि इसके अंदर हमारा अपना जो है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS सिस्टम जो है वो कंपनी ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। अब बेसिकली वो कर क्या रहा है कि वो बैटरी का हर तरीके से ख्याल रख रहा है। ठीक है, वो बैटरीज़ का टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, इसके साथ फ़ैन्स की अरेज लगी हैं, जैसे ही वो देखता है सेल्स का टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसकी वजह से बैटरीज़ की लाइफ थोड़ी बहुत इफेक्ट हो सकती है, तो वो फैंस की अरे को स्टिमुलेट करवाता है ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो कम हो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि वो बैटरी की चार्जिंग वैल्यूज़ को, डिस्चार्जिंग वैल्यूज़ को, ईच एंड एवरीथिंग को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है, ताकि हमारी बैटरीज़ के मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल्स जो हैं उनको सेव किया जा सके, और उसको हम लोग यूजेज में लेके आए ताकि हमारी बैटरी की लाइफ जितनी एक्सटेंड हो सके वो हो जाए। ठीक है, आप बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि ये हमारी जो स्मार्ट फ्लो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये उसकी UI है बेसिकली। ठीक है, तो इसमें ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपको बता रहा है इस टाइम पे इसने इस मंथ में कितने यूज़ किए हैं यूनिट्स, ठीक है, कितने इसने वापडा को सेल किए हैं। ठीक है, अब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा तो उसमें ये जो यूनिट्स हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे, और नेट जो इसमें जो भी यूनिट्स आपने कंजम्पशन किए हैं, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है तो आपको बिल आएगा, अगर आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा है तो आपको बिल नहीं आएगा, वो आप आपके वापडा की तरफ जो है वो एक्स्ट्रा यूनिट्स जो हैं वो बन रहे होंगे। दूसरे नंबर पे फिर आपकी ये विंडो है, ये आपको बता रही है कि इस मंथ में जो है ये कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा और अभी तक ये कितने कर चुका है। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये एक AI बेस्ड प्रोजेक्शन है, और इसमें थोड़ा बहुत जो वेरिएशन है 5 to 10% की वो भी आ रही होगी। नॉर्मली जो हमारा 10 किलोवाट का सिस्टम है वो ऑन एवरेज जो है वो 1200 यूनिट्स जो है वो मंथली प्रोड्यूस कर रहा होता है। तीसरे नंबर पर फिर आपकी बैटरीज है वो वैसे ही जैसे हमारे सदाकत साहब ने आपको बताया है कि वो एक फुल लोड आपके पास बैकअप है, और एक जो है वो आपके पास जो करंट लोड इस टाइम पे चल रहा है उसका बैकअप है वो शो कर रही है। तो दैट्स ऑल, आई थिंक अब हमारे जो कस्टमर हैं वो इंशाल्लाह हमारे इस इन्वर्टर रिप्लेसिंग से जो है वो खुश भी होंगे, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे इस इन कस्टमर को हमारी टीम की वजह से कोई परेशानी नहीं हुई, इंशाल्लाह जो जो लोग भी सोलर के ऊपर आएंगे थ्रू स्काई इलेक्ट्रिक इन फ्यूचर, इंशाल्लाह उनको भी कोई परेशानी जो है उसको उसका आने का मौका उनको नहीं मिलेगा।